तो दोस्तों, जब भी हम इंडिया के बारे में सुनते हैं या भारतवर्ष के बारे में सुनते हैं, तो क्या चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है? सभ्यता, कल्चर, रिच हिस्ट्री, क्रिकेट, एजुकेशन, रिलीजियस एक्टिविटीज़, रिलीजियस प्लेसेस, फूड्स और भी न जाने कितने कुछ। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में भारतवर्ष से रिलेटेड, जो अभी तक अननोन ही है और लोगों ने बहुत ही कम सुना है इनके बारे में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो दिमाग में आता है चाइना या फिर एशियन कंट्रीज़, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़, ये सारी, इजंट इट। बट आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि मार्शल आर्ट्स का जन्म इंडिया में ही हुआ था। तो क्या आपको पता है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला हमारे भारतवर्ष में ही स्थित है? यहाँ पर आचार्य चाणक्य और पाणिनि ने शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत के गांधार जनपद की राजस्थानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था एक ज़माने में। माना जाता है कि इसकी स्थापना 60वीं से लेकर 7वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। बाद में अनेक आक्रमण के कारण ये जो यूनिवर्सिटी आप लोग बोल सकते हो, जो कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये डिस्ट्रॉय हो चुका था पूरा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मौसिनराम, वो हमारे भारतवर्ष में ही स्थित है। ये जो जगह है, ये भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। एंड द प्लेस इज नोन एज द वेटिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में ही स्थित है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में वो सारे कामकाज होते हैं जो दूसरे सामान्य पोस्ट ऑफिस में होते हैं। ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस माना जाता है। दोस्तों, ताजमहल के बारे में तो हम सभी को पता ही है, ये दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है और इसे देखने के लिए साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था और इसे बनाने में करीबन 22 साल लगे थे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जो विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला है, दैट इज़ विजिबल फ्रॉम द स्पेस? यस इट इज़। कुंभ मेला जो है, ये 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है, क्योंकि देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिन का युद्ध चला था और देवताओं के लिए 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स के बारे में तो आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बट क्या आपको पता है कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है? करंट साइट्स पत्रिका में छपे रिसर्च पेपर के मुताबिक चंद्रयान 2 मिशन के दौरान मिले आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है कि चांद पर पानी या H2O के पार्टिकल्स मौजूद है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन अभी रिसेंटली खबरों की माने तो हिमाचल प्रदेश में ही एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम तैयार होने जा रहा है, जो धर्मशाला के स्टेडियम से भी ऊंचा, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।